दिल्ली में जलभराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। हर समय दौड़ती भागती दिल्ली पर मानो जलभराव का ग्रहण लग गया। इस पर नेता समाधान निकालने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पे तो दिल्ली सरकार ने बीजेपी शासित नगर निगम पर जलभराव का ठीकरा फोड़ दिया। दिल्ली में बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव पर सियासत तेज हो गई है। बारिश के बाद जहां तहां जल भरा हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने भी नगर निगम को आगे कर बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने जल भराव के लिए बीजेपी शासित नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। ये हर साल की कहानी है और मुझे लग रहा है 10-15 सालों से यही हालत है। ये ऑन रिकॉर्ड है, एक आध एक्सेप्शन की बात तो मैं नहीं करूंगा। 98% दिल्ली की सड़कों के नाले नगर निगमों के पास है और नगर निगम के अंदर भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद कर रखा हुआ है। हमारा ये कहना है, अगर भाजपा से नगर निगम नहीं चलता तो हमें दे दें, हम चला के दिखा देंगे। मगर ये हर बार की जो दिल्ली को बर्बाद करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये बंद होनी चाहिए। इनको नालों की सफाई करनी चाहिए। मैं आपसे, आपके माध्यम से दिल्ली वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, नाला साफ कोई चोरी छुपे नहीं होता। जब नाला साफ होता है तो 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, लोग नाला साफ करते हुए दिखते हैं, नाले की गाद निकली जाती है, सड़क पे रखती है, क्योंकि वो सूखती है, सूखने के बाद उठती है। करीब करीब हफ्ते भर का प्रोसेस होता है, आप गाड़ी से जाते हैं आते हैं। दिल्ली वाले खुद जानते हैं कि PWD की सड़कों की आपने नालों की सफाई होती हुई देखी होगी, इस बार भी देखी होगी, गाद भी देखी होगी, सूखती हुई उठती हुई देखी होगी। आप याद कीजिए कि आपके आसपास की कॉलोनी के अंदर की जो नालियां हैं, जो नगर निगम की नालियां हैं, क्या आपने उनको साफ होते हुए देखा? प्रहलादपुर अंडरपास के वीडियो को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना तुगलक से की। दूसरी ओर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल को नसीहत दी कि वे अपने विभागों के नालों पर ध्यान दें। गौतम गंभीर के सवाल पर जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने जवाब दिया कि गौतम गंभीर दिल्ली पर गंभीर राजनीति कर रहे हैं। जहां तक जल भराव की बात है, ये बात सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 98% नाले और ड्रेन्स, 98% नाले और ड्रेन्स नगर निगम के अधीन आते हैं। मात्र 2% ड्रेन्स और नाले ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार या अन्य विभागों के अधीन आते हैं। जल भराव की स्थिति आज से कुछ हफ्ते पहले भी देखी गई, जिसपे बहुत विवाद हुआ, एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। जितना पैसा नगर निगम के कुएं में डालो, वो ऐसा कुआं है जिसमें भ्रष्टाचारी रूपी जानवर रहते हैं और वो सारा पैसा खा जाते हैं। आज यदि नगर निगम आम आदमी पार्टी के पास होता, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में होती, तो दिल्ली की ये हालत ना होती। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हालत को बद से बदतर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दिल्ली में बारिश की वजह से सैकड़ों जगहों पर जल भरा हुआ, यहां तक कि PWD की सड़कें भी डूबी और नगर निगम की गलियों में भी घरों में पानी घुस गया। लेकिन राजनेताओं के बयान से संकेत साफ है कि वे इस पर समाधान ढूंढने के बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में दिलचस्पी लेंगे। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।